हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बेसिक स्लीव की कटिंग बताऊंगी और इससे जुड़ी हुई सारी जरूरी बातें मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको कभी भी स्लीव कटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने एक ये कपड़ा लिया हुआ है, दोनों स्लीव्स में एक साथ कटिंग करूंगी। तो ये देखिए, यहाँ से लंबा सा कपड़ा मैंने लिया हुआ है और यहाँ से मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है, इस तरह से बिल्कुल सेंटर से मैंने इसको फोल्ड किया है और दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर फेस करते हुए है। यहाँ से फोल्डेड साइड है, ये ओपन वाली साइड है। एक बार फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई आई है वो लगभग 20 इंच की आ रही है और इसकी जो लंबाई है वो है 8 इंच की। अब इसको मैं एक बार और फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से। अब इसकी जो चौड़ाई आ रही है वो लगभग 9.5 से 10 इंच के बीच में आ रही है और ये देखिए इसी तरह से हमें लेना है। और ये है स्लीव की लेंथ। तो स्लीव की जो रेडी नाप है वो है 6 इंच की, उसमें आधा इंच ऊपर से दबाने के लिए मार्जिन आएगा और 1.5 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए मार्जिन आएगा। तो इसके लिए मैंने 8 इंच का ये लिया हुआ है स्लीव की लेंथ। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है ये देखिए, यहाँ से हमें यहाँ पर अपने आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेजरमेंट में आर्म होल आता है 7 इंच। अब यहाँ से नीचे को मैं 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आप सभी को किसी भी मेजरमेंट के लिए लगभग 3 इंच पे ही निशान लगाना है। अगर आप इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला है, आपका जो भी बस साइज है उसको हम 12 से डिवाइड कर दें। जैसे अगर बस साइज 36 है तो 36 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 इंच। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 इंच लिया है। अब इस पॉइंट को हमें फोल्डेड साइड के ऊपर टॉप में इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब इस लाइन को हमें मेजर करना है और उसका हाफ करना है। तो ये 8 इंच की लाइन है तो इसका आधा मैं यहाँ पे 4 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ और इस पॉइंट के ऊपर हमें आधा इंच पे एक निशान लगाना है और इन पॉइंट्स को इस तरह से यहाँ पे हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन करना है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें यहाँ पर ये कॉर्नर पे इस तरह से हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन करना है। ये हमारा बैक का आर्म होल कर्व बना हुआ है। अब फ्रंट के आर्म होल कर्व के लिए हमें यहाँ से नीचे को हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन करना है। ये तो यहाँ पर लाइन है, इसके नीचे आधा इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और इसको हल्का सा देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे घुमाव देना है। ये देखिए ओपन वाली साइड जो है उसके वहां पर हमें इसको घुमाव देना है और इसको ऊपर हमें हल्का सा इस तरह से मिला देना है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एस की तरह शेप बना हुआ है। तो ये जो है ये फ्रंट का आर्म होल कर्व है हमारा और ये बैक का आर्म होल कर्व हो गया हमारा। और ये जो साइड में जगह है ये आपको देखिए, ये जगह मेरी 2.5 इंच की आ रही है और ये हमें इतना ही लेना है। ज्यादा लें तो भी चलेगा लेकिन इससे कम नहीं लेनी है। ये मैंने 2.5 इंच का इसलिए लिया है क्योंकि कई बार हम जब स्लीव को अपने कुर्ती में या टॉप में ज्वाइन करते हैं तो हमारी स्लीव छोटी हो जाती है और जो टॉप है उसका मार्जिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए सेफ साइड मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है, क्योंकि अगर हमारी स्लीव बड़ी हो जाती है टॉप से तो उसमें हम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम उसको ट्रिम करके छोटा कर सकते हैं। लेकिन अगर बाय द वे वो छोटा हो गया, स्लीव छोटी हो गई, तो उसमें फिर प्रॉब्लम होती है स्लीव को ज्वाइन करने में। इसलिए हो सके तो यहाँ पर मार्जिन 2.5 इंच का ही लें। अब इस लाइन को हमें बाहर वाली साइड को इस तरह से सीधा ज्वाइन कर देना है। अब मैं यहाँ पर राउंड आर्म के लिए निशान लगा रही हूँ। तो जितना भी आपका राउंड आर्म है उसका आधा यहाँ पे लेना है। तो मेरे मेजरमेंट में 12 इंच है तो उसका आधा मैं यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इस पॉइंट को ऊपर यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर जो मार्जिन है ये देखिए, जो 2.5 इंच का है उतना ही लगभग या उससे थोड़ा सा कम मैं नीचे पे ले रही हूँ और यहाँ पर इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब इसकी हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। तो कटिंग सबसे पहले हम बैक के आर्म होल की ही करेंगे, फ्रंट के आर्म होल नहीं कट करना है, सिर्फ बैक का करना है पहले। और ये देखिए बैक आर्म होल कट किया, अब इसको साइड से भी कट कर देती हूँ। एक मार्जिन के लिए निशान लगा लिया है मैंने। अब हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है। ये देखिए दो पार्ट्स लेके मैंने इसको ओपन किया है और ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर फेस करते हुए होनी चाहिए, ये देखिए। और अब हमें क्या करना है, इसका फ्रंट का आर्म होल कट करना है, ये इस तरह से। अब ये जो जिसमें ज्यादा गहराई है ये फ्रंट का है और जिसमें कम गहरा है वो बैक का आर्म होल है। अब ये देख सकते हैं, अब यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव्स एक साथ कट के तैयार हो गई हैं। अब जब हम इसको कुर्ती या टॉप में ज्वाइन करेंगे तो जो गहरा वाला कर्व है ये हम फ्रंट साइड में ज्वाइन करेंगे और जो ये छोटा वाला है इसको हम बैक साइड में ज्वाइन करेंगे।
बस स्लीव कटिंग हमारी हो चुकी है, इसमें बस हमें एक बात का ध्यान देना है कि कटिंग से पहले हमें जो मार्जिन साइड में लेना है वो 2 से 2.5 इंच का लेना है।